मैं रियाज मोहम्मद आर्म्स इंस्टीट्यूट की कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ेंगे फ्रांस का उन्मूलक, डायरेक्टरी ऑफ फ्रांस। महिलाओं की क्रांति के बारे में अपन, क्या महिलाओं की भी क्रांति हुई, इसमें इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। क्या महिलाओं के लिए भी महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? तो देखें, महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में, अच्छा महिलाओं से संबंधित टॉपिक तो अपना कंप्लीट हो चुका है। आज अपन पढ़ेंगे दास प्रथा का उन्मूलन, पांचवा दास प्रथा का उन्मूलन। दास प्रथा का उन्मूलन, तो ये दास प्रथा क्या होती है? देखें जरा, फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन उन्मूलन जेकोबिन शासक के क्रांतिकारी जेकोबिन शासक के क्रांतिकारी जेकोबिन शासन जेकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। करिबियाई उपनिवेश मार्टिनेक, गोडेलोप और सेन डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी और कॉफी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। किस किस का? तंबाकू, नील, तंबाकू, नील, चीनी, एवं कॉफी। कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनेक, गोडलेप और सेंट डोमिंगो। कैरेबियाई, कैरेबियाई द्वीप समूह कौन से? कैरेबियाई उपनिवेश। इन उपनिवेशों का भी ध्यान रखना आपको, कौन कौन से हैं ये कैरिबियाई उपनिवेश। इसमें आपका पहला आएगा मार्टिनिक, 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 गोडेलोप, सेंट डोमिंगो,
ये द्वीप क्या करते थे? तंबाकू, नील, चीनी और कॉफी की आपूर्ति करता थे। मार्टिनिक, गोडलॉप, सेंट डोमिंगो, तंबाकू, नील, चीनी और कॉफी जैसी वस्तुओं की महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। अपरिचित एवं दूर जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। यूरोपियों की अनिच्छा यानी इच्छा नहीं थी, तो इसका मतलब क्या मान सकते हो आप? बागानों में श्रम की कमी, यानी बागानों में किसकी कमी थी? श्रम की, मतलब मेहनत करने की। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। दास व्यापार कौन सी शताब्दी में? 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे और नानते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। क्या करते थे? दासों को खरीदा जाता था। दासों को दाग करके, हथकड़ियां डाल करके अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाजों में ठूंस दिया जाता था, जहां उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। यानी इन दासों को वो खरीदते थे, उन्हें दाग दिया जाता था और हथकड़ियां डाल करके अटलांटिक महासागर से कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाजों में ठूंस दिया जाता था, जहां उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। यानी बागान के जो मालिक थे उन्हें उन्हें क्या कर दिया जाता था? बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफी और नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव। यानी इन्हीं दासों के द्वारा क्या किया गया? नील, कॉफी, चाय, तंबाकू आदि जो वस्तुएं थी इनकी मांगों को पूरा किया जा सका। बोर्दे और नानते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गए। बोर्दे और नानते क्या बन गए? फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गए। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार है। उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाएं या नहीं, परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। लेकिन अंततः सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेश में सभी दासों को मुक्ति का कानून पारित कर दिया गया। यानी जितने भी जो दास बनाए गए थे उन सबको क्या कर दिया जाए? मुक्त कर दिया जाए। पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू किया गया। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। निग्रो है वह क्या होती है? अफ्रीका में सारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग। अफ्रीका का जो सारा रेगिस्तान है उसके दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग क्या कहलाते थे? निग्रो। ये अपमानजनक शब्द है जिसका अब प्राय इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यानी ये क्या है? एक तरीके से अपमानजनक शब्द है, इसका प्रयोग अब नहीं किया जाता है। इसके बाद में क्रांति और रोजाना की जो जिंदगी है उसके बारे में अपन देखते हैं।
अपना जो छठा है टॉपिक क्रांति और रोजाना की जिंदगी। क्रांति और रोजाना की जो जिंदगी है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं तो देखें क्या राजनीति लोगों का पहनावा, उसकी बोलचाल अथवा उसके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है। राजनीति क्या नहीं बदल सकती है? लोगों का पहनावा, बोलचाल और उसके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है। सन 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आते हैं। यानी 1789 के बाद में फ्रांस में क्या होते हैं, ऐसे अनेक परिवर्तन आते हैं। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर के स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारना का प्रयास किया। कानून बनाकर के स्वतंत्रता और समानता को, समानता के जो आदर्श हैं उनको रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया गया। बास्टिल के विध्वंस के बाद सन 1789 की गर्मियों में सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया। 1789 की गर्मियों में सबसे महत्वपूर्ण कानून क्या होता है अस्तित्व में आता, वह था सेंसरशिप की समाप्ति। सेंसरशिप की समाप्ति 1789 में। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जाता था। यानी इस सेंसरशिप के द्वारा क्या हो गया, जितनी भी लिखित और सांस्कृतिक जो गतिविधियां थी, किताब, अखबार और नाटक, इनको राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने पर ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। परंतु अब अधिकारों की घोषणा पत्र ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया गया। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों और छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई। फ्रांस के शहरों में क्या होता है भाई, अखबार हैं, पर्चे हैं और पुस्तकें हैं, इनकी क्या जाती है, बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आने का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा संख्या इनकी हो जाती है, यानी अधिक संख्या में पुस्तकें आ जाती है। और जहां से वह तेजी से गांव देहात तक पहुंचे, यानी पुस्तकों की मात्रा अधिक होने पर वो तेजी से गांव और देहात की तरफ पहुंचाई जाने लगी। उनमें फ्रांस में घट रही घटनाओं और परिवर्तनों का ब्यौरा भी उन पर टिप्पणी होती थी। प्रेम की स्वतंत्रता का मतलब ये था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों और दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखक को समझने और उनसे जुड़ने का भी ये लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही संभव था। यानी किताबों को पढ़ना मुट्ठी भर लोग ही पढ़ सकते थे या वही समझ सकते थे। इसके बाद में इसका आता है सारांश। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटा करके उसने नए साम्राज्य बनाए। उसकी बागडोर अपने खानदान के हाथों में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित
नाप तोल की एक समान प्रणाली चलाई। यानी नेपोलियन ने खुद को आधुनिकीकरण का अग्रदूत माना और उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए। और दशमलव पर आधारित जो नाप तोल है उसकी भी एक समान प्रणाली चलाई। तो नेपोलियन ने खुद को यूरोप का आधुनिकीकरण का अग्रदूत माना, उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली चलाई। शुरू शुरू में वह बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उससे बाद जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी कि नेपोलियन क्या करेगा, जनता को स्वतंत्रता दिला देगा। ये जनता के को क्या थी, उससे उम्मीद थी। पर जल्द ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। यानी नेपोलियन की जो सेना है उसको लोग क्या मानने लगे, हमलावर, कि ये सेना अपन के ऊपर हमला करती है, और उसको हमलावर की संज्ञा लोगों के द्वारा दे दी गई। आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफी समय बाद सामने आता है। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकल कर के यूरोप में फैल रहे थे और ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकल कर के बाकी यूरोप में फैले। इनके कारण वहां सामंती व्यवस्था का क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलन में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। टिपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस से उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे। यानी इस जो फ्रांस की दासता की मूर्ति टिपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय, टिपू सुल्तान, दूसरा है राजा राम मोहन राय। इन दोनों ने क्या ली थी, फ्रांस की क्रांति से, फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा ली थी। फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा ली। टिपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय कि फ्रांस में जितने भी संघर्ष हुए थे उनसे जो विचार उपजे थे उनसे इन दोनों ने क्या ली थी, प्रेरणा ली थी। वहां से इन्हें कुछ सीखने को मिला था कि अगर फ्रांस के लोग इस प्रकार से अपना अधिकार ले सकते हैं तो अपन
क्यों नहीं ले सकते, अपन भी अपने देश में सुधार कर सकते हैं। तो देखिए आगे, राजा राम मोहन राय उस समय यूरोप में फैल रहे नए विचारों से प्रभावित होने वालों में से एक थे। फ्रांसीसी क्रांति और बाद में जुलाई क्रांति में उनकी कल्पना ने नई धार दी। फ्रांस में 1830 में हुई जुलाई क्रांति के बारे में जानने के बाद वह और किसी चीज के बारे में बात ही नहीं करते थे। हालांकि एक दुर्घटना के कारण वे उन दिनों लंगड़ा कर चलते थे, लेकिन इंग्लैंड जाते हुए केप टाउन में वह जिद करने लगे कि उन्हें क्रांतिकारी तिरंगे झंडे वाले युद्ध पोत दिखाए जाए। ये जो घटना है, राजा राम मोहन राय की सुशोभन सरकार नोट्स ऑफ द बंगाल रेनोसाग 1946 के जो लेख है उसमें ये घटना छपी थी। तो इसके साथ ही आपका ये जो चैप्टर है आपका वह समाप्त होता है। अपन ने फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत इसकी घटनाएं हैं, वह पढ़ी हैं। यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, घटनाएं और प्रक्रिया का पहला जो चैप्टर है आपका फ्रांसीसी क्रांति वह कंप्लीट होता है, खंड पहले का। और खंड पहले का दूसरा जो चैप्टर है वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। क्रांति और रोजाना की जिंदगी, दास प्रथा का उन्मूलन, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई, फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना, और क्रांति की शुरुआत 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी साम्राज्य, फ्रांसीसी क्रांति, घटनाएं और प्रक्रियाएं, इन सबको अपन ने पढ़ाया अच्छी तरीके से। अब आगे अपन यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू। वीडियो को शेयर और लाइक करें।